कुर्मी बनाने के लिए हमने लिया है आधा किलो गेहूं का आटा, एक चम्मच सफ़ेद तिल, इलायची को हमने ऐसे कूट लिया है और एक कटोरी हमने पीसी हुई मूंगफली ली है। ठीक है, इसे हमने भून के पीस लिया है, दरदरा पीसा। और एक कटोरी हमने लिया है नारियल का बुरादा और हमने लिया है यहाँ पे घी, मेल्ट कर लिया है यहाँ पे। और देखिए हमने एक पाव गुड़ लिया है। देखिए हमने यहाँ पे एक बर्तन में आधा ग्लास पानी ले लिया है और इसे थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। देखिए पानी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें गुड़ डाल देंगे। अब हम इसे गुड़ को मेल्ट होने देंगे। जब तक मेल्ट होता है तब तक हम आटा लगा लेते हैं। देखिए अब आटा लगाने के लिए हम आटा में घी डाल देंगे और इसे पहले थोड़ा सा लेके पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। अब जो थोड़ा सा हमने बचा के रखा था घी, इसे और डाल लेंगे और अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब देखिए हम थोड़ा सा ऐसे लेंगे और इसे देखिए ऐसे बांध रहे, तो ये अच्छे से बन रहा है ना, इसका मतलब हमने मोयन अच्छा डाला है। अब हम इसमें डाल देंगे तिल, अच्छे से फैलाते हुए डाल दीजिए, इलायची जो हमने कूट के रखी थी वो, फल्ली पिसी हुई और नारियल का बुरादा, और इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लीजिए। देखिए जो हमने गुड़ पानी में डाला था वो मेल्ट हो गया है, अब हम इसे एक बार छान लेंगे। हम इसलिए छान रहे हैं ताकि इसमें कुछ कचरा या कुछ हो गुड़ में तो वो निकल जाए। कोई गुड़ पिघला नहीं रहता तो वो भी निकल जाता है, कचरा रहता है वो भी निकल जाता है। देखिए अब हम गुड़ को, जो गुड़ का पानी था उसे थोड़ा थोड़ा मिलाते जाएंगे। हमें इसमें पानी का यूज़ नहीं करेंगे, अगर लगे कि कम पड़ रहा है और आटा अच्छे से नहीं लग पा रहा है तब हम थोड़ा सा पानी इसमें यूज़ करेंगे। देखिए आपको इसका डो ना कड़ा लगाना है। और देखिए यहाँ पे हमने मिक्स कर लिया, अब थोड़ा सा और गुड़ का पानी डाल देंगे। इसको आप चाहे ना गुड़ को ओवरनाइट भी सोक करके रख सकते हैं अगर आपको सुबह बनाना है तो। देखिए हमने खुरमी का आटा लगा लिया है, इसी खुरमी के आटे से हम दो अलग शेप के खुरमे बनाएंगे। देखिए ये है झेंझरी, ये प्रायः हर छत्तीसगढ़ी घर में मिलेगा आपको। तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा ऐसे लोई लीजिए और ऐसे थोड़ा सा बड़ा लीजिए, ऐसे करके मुठिया बना लीजिए। देखिए मुठिया बन गया। आप क्या करना है, इसको ऐसे पकड़िए और इसको हल्का सा प्रेस करिए। देखिए एक साइड ऐसे हो गया, अब उसको पलट के दूसरे साइड भी ऐसे कर लीजिए, देखिए दूसरे साइड भी ऐसे हो गया। तो ऐसे ही करके हमें पूरी खुरमी बना लेना है। जैसे हम एक ऐसे मुठिया बना लिए, मुठिया बनाने के बाद अब हम इसको पकड़े ऐसे और हल्का से ऐसे प्रेस कर लिए। सेम दूसरे साइड में भी ऐसे करके हमको प्रेस कर लेना है। देखिए ऐसे करके डिज़ाइन बन गया। मोटी लोई ले लिया हमने, ठीक है। अब हम इसे बेल लेंगे और इसको हम डायमंड शेप देंगे। तो देखिए अब ऐसे करके, और इसको आपको ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, थोड़ा सा मोटा रखेंगे। देखिए हमने इसे बेल लिया है, अब क्या करें, इसे ऐसे लंबा लंबा हम काट लेंगे। करके शेप देंगे थोड़ा सा तिरछा तिरछा। देखिए इसे थोड़ा सा हमने काट लिया है, देखिए इतना मोटा आपको रखना है, ठीक। अब हम इसे तल लेंगे। देखिए हमने कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें तेल गरम होने रख दिया है। तेल को हमें पहले अच्छा गरम करना है, फिर उसके बाद हम इसे लो फ्लेम में करके तल लेंगे। तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें खुरमी डाल देंगे, ऐसे करके डाल देंगे।
देखिए हमें इसको तुरंत नहीं चलाना है, जब एक साइड अच्छे से फ्राई हो जाए तब हम इसे पलटना है। अब हम फ्लेम लो कर देंगे। देखिए अब हम इसे पलट लेंगे, धीरे धीरे पलट लीजिए। खुरमी ना बहुत, क्योंकि हम इसमें घी डाल रहे थे तो बहुत सॉफ्ट होता है, तो इसे धीरे धीरे पलट लीजिए हल्का, ताकि ये फूटे ना। देखिए हमारा खुरमी अच्छे से फ्राई हो गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे। देखिए हमारी खुरमी बनके तैयार हो गई है। आज हमने एक ही आटे से दो अलग अलग शेप की खुरमी बनाई है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।